तो आज मैं और नक्श जा रहे हैं नक्श की कटिंग करने, देखते हैं कोई बार बार खुला है या नहीं। तो चलते हैं मार्केट आज धमधम की। देखो कितने सारे पटाखे हैं इधर, पटाखे दिवाली वाले। तो आज मौसम है बिल्कुल साफ, देख सकते हैं आप, और अब ठंड हो चुकी है। नेक्सू नेक्सू कौन है, कौन आ रहा है परे से? मामी जी आई, देख तेरी मामी आई। ठीक है ठीक है, हाय नक्श काय मामी जी। वो मामी कहाँ है मामी जी? बंदी के ही वो घर में जा रहा है। ये के मामा रोज ड्यूटी आ रही है, देख रहे हैं। एवं जान दिया हूँ ड्यूटी, एवं जान दिया, एवं जान दिया। वे इस गई है इस दी ड्यूटी, तुझे क्या चल रही है? अच्छी लग रही। तो अभी मिल गए थे हमें नक्श की मामी मेरे भाभी जी, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी वो कहीं काम से गए, फिर उसके बाद मिलेंगे। अभी हम चलते हैं कटिंग करवाने नक्श की। नाम तो बहुत अच्छा है आपका लक्ष्य। उधर देखो, वो देखो नक्शु आया उधर। ये देखो नक्श और उसके मामू। खा वो इसको गोल गप्पे को खा, दे दे तुम्हें दांत। चिज्जू कहाँ है? चिज्जू दे दो मेरे को, दे दो चिज्जू। नहीं दे दो। क्यों? ढीलो कोई था। चिज्जू दे दो मेरे को बेटा, दे दो नानू जी को, दे दो जाओ नाना जी को। नानू जी को तो त्याग देने जाओ। लो कोई था मेरा, दे दो नाना जी को, दे दो, दे दो चिज्जू। नहीं नहीं मैं चला फिर, अच्छी बाय बाय बाय। इस टाइम पर रहा नहीं जा रहा है। चली पाया से भी है वो। तो मैं भी मम्मी के पास जा रही हूँ खेत में, चलते हैं। और डूगो भी साथ में आ गया है, देखिए बादल। ये देखिए मम्मी घास काट रहे हैं। सब्सक्राइब रह क्या बोलूँ, अपनी मर्जी के सीरी करने ना करने, जबरदस्ती तो करवा नहीं सकते हम किसी से। अगर वीडियो किसी को अच्छी लगेगी तो ही करेगा कोई, क्या पता मैं वीडियो अच्छी नहीं बनाती होंगी तो। है ना दीदी? ओ दीदी हाँ बोलू ही ना। ओ कुड़े ग्लैन कर दी तू, बोलिया करो ये कुछ। आऊं आऊं एडा बोलू ही ना।
भाई जे मर्जी यारी गली कैसी नहीं मतलब जबरदस्ती तो करा नहीं सकते सब्सक्राइब होने वाला है 180 की जे जे कैसी की अच्छी लगोगी वीडियो जे नहीं लगोगी तो बिन कर दे लोग सब्सक्राइब क्या पता आ सके कोई कमी हो वीडियो बनाते हुए तो अपनी कमी को पूरा करना चाहिए। अगर किसी को अच्छी ना लगे वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए कि नहीं ऐसा आपने गलत बोला या ऐसा आप गलत कर रहे हैं वीडियो में। हाँ तो ऐसा करना चाहिए। रीता तो मैं काम भी करती रहती हूँ और अपडेट भी होती रहती हूँ सब्सक्राइबर्स के सामने। रीता तो ये काटा है मम्मी ने भी थोड़ा सा घास। मैं घास काटने आई हूँ। ये क्या है? ये क्या है? सोयाबीन ये देखो सोयाबीन। मम्मी खोली की दसोरा मम्मी खोली की दसोरा उसी दसोरा मेरे क्या थे कि दसी होनी ना। मम्मी ने मेहंदी लगाई है बालों में ये देखो ये है सोयाबीन है दुकान से लेके आया। ज्यादा प्रोटीन होता है इसमें। हाँ प्रोटीन होता है आयरन होता है इसमें ये देखो कैल्शियम होता है सब कुछ होता है बहुत ही ताकतवर होते हैं। हाँ वो तो होते हैं बहुत ताकतवर। इसकी हमारे यहाँ पर इसकी खिचड़ी बनती है बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है इसकी बेड़िया बनाई जाती है। हाँ बेड़िया बनाते हैं तो हमारे तो ये नहीं होते ना। अगर यहाँ पर होंगे तो मैं मम्मी से ही ले जाऊँगी थोड़े से और बनाएंगे बेड़िया बहुत ही टेस्टी बनती है वो भी मतलब परांठे हमारी लैंग्वेज में यहाँ पर बोलते हैं बेड़िया परांठे को ना जो इसके बनते हैं। तो चल कर लेते हैं आप थोड़ा सा काम और फिर थोड़ी देर बाद मिलेंगे आपसे। तेज नहीं दराटी ये नहीं अपने घर पहले बाडी होना था ये रहेगा गाय मर गई थी दो बार छी थी ना कितने खुआ क्या करे और कट गई पैनी नहीं इधर आती पैनी भी थल फिरो होके तो कोई सेंस है इस बात की बंद होनी थी। देखिए आज मैं लगा रही हूँ ये आंकड़ा आग का पौधा आंकड़ा बोलते हैं इसको आग का पौधा हमारे यहाँ पर आग बोलते हैं तो ये आग का पौधा लगा रही हूँ। तो ये होता है पूजा पाठ के लिए ये काम होता है और गणेश जी की पूजा के लिए विशेष रूप से काम आता है आग का पौधा और शिव जी के ऊपर भी चढ़ाया जाता है इसको। तो ये मैं अभी लगाऊंगी यहाँ पर मैं अपने घर से लेकर आई थी दो तीन पौधे तो एक किसी और ने मांगा था तो उनको भी हम देंगे तो ये लगाऊंगी मैं भी। तो यहाँ पर मम्मी ने राई बीजी है साग के लिए तो ठंड में हमारे यहाँ पर मैक्सिमम साग ही खाते हैं। तो ये मैं लगा रही हूँ यहाँ धनिया बीजा है थोड़ा थोड़ा उग रहा है
ये देखो निकल रहा है, निकल रहा है धनिया, और थोड़ा सा लहसुन लगाया है, तो इसकी जड़ें देखो कितनी लंबी है, तो उतने ही नीचे तक खुदाई करनी पड़ेगी। तो इसका विशेष रूप से पूजा पाठ के लिए उपयोग होता है जड़द बाजरा। पिछले बार में मैं लेकर आई थी और वो बड़ी होकर फिर सूख गई, पता नहीं क्या हुआ उसे। इसके ऊपर पानी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, और ये देख रहे हैं आप धतूरा, तो इसको विशेष रूप से शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। गिर गया ये देखिए, तो ये अब हो रहे हैं देखो इस तरह से, ये देखो ये इसका जो फल होता है इसको भी शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है और इसमें फूल लगता है, उसके बाद ये फल लगता है इसमें, तो उसको शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है और पत्ते भी इसके शिव जी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। ये क्या फल है? तालू। सावन महीने में, ये क्या सावन के माह में, सावन के में क्या, सावन के में क्या आगे पीछे निकाल दे, आगे पीछे सावन के माह में ज़्यादा। ये तो क्या है, कोई साला मैं दी थी ना, क्या है अरतालू है पे कितने, ये अरतालू है क्या है, सही सही मैं दे रखी थी परत। अच्छा मग, हाँ रतालू है, ये मग की है जमी थी। और ये देखिए ये मग बोलते हैं इसको, ये मैंने मम्मी को दी थी, ये देखो लगी हुई इसमें, मेरे को तो पता इनको नहीं पता नहीं था, ये सोच रहे रतालू है, रतालू होते थे पहले ना, इस बेल में आलू लगते थे मीठे आलू, और यहाँ पर मैंने इनको बताया कि ये मग है, ये देखो इतनी लाई थी मैं, हमारे होती है पर है ना, ये तो इतनी भी जमी थी इसी की निकली थी, ये बीच में से यहाँ से गई है देखो, ये देखो ये देखो यहाँ से गई है और ऊपर तक पहुँच गई है मग की बेल। तो ये हमारे अपने यहाँ पर हिमाचल बोलते हैं देवभूमि, और यहाँ पर हर तरह की जड़ी बूटियाँ भी मिलती है।